1940 को लाहौर में हमारे अमायदीन ने, जुआमाए कौम ने, कायदीन मिल्लत ने जमा होकर ये फैसला किया और ताहद नज़र इंसानों का अंबोहे कसीर उनकी ताईद करता है और ये नारा मस्ताना बुलंद होता है कि हम पाकिस्तान बना के दम लेंगे। कायद आजम ने कहा था, हम ऐसी तजुर्बागाह चाहते हैं जिसमें इस्लामी उसूलों का तजुर्बा करें और लोगों को बताएं कि इस्लाम ये होता है। 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आता है और अभी ये मुल्क कमर सीधी भी नहीं करता कि कायद आजम इस तारे फानी से कूच कर जाते हैं और फिर उसके बाद ये के बाद दिगरे बानियाने पाकिस्तान जो हरावल दस्ते के तौर पे काम करते थे एक एक करके वो रुख्सत हो जाते हैं और आज इस वतन को बने 70 साल से जायद अरसा बीत गया, हम अभी तक जिन मकासद के हुसूल के लिए ये मुल्क बनाया था, जो ख्वाब देखा था, उसकी हम अमली ताबीर नहीं दे सके। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो ताबीर आएगी नहीं, ये बात जहन में रखिएगा। ताबीर तक पहुंचने के लिए वक्त लगता है। कभी ऐसा होता है कि आप रात को ख्वाब देखते हैं और दिन को उसकी ताबीर मिल जाती है, और कभी ताबीर तक पहुंचने के लिए किनान के अंधे कुएं में जाना पड़ता है, फिर मिस्र के बाजार में बिकना पड़ता है, महल्लाती साजिशों का शिकार होना पड़ता है, जेल काटनी पड़ती है। 40 साल गुजरने के बाद जनाब यूसुफ बोलते हैं, या अबते हाजा ताबीर रो या मिन कबल, मेरे बाप ये है मेरे ख्वाब की ताबीर जो मैंने 40 साल पहले देखा था। तो लाजमी नहीं है कि किसी ख्वाब की ताबीर आपको फौरन मिल जाए। पाकिस्तान बनाने का जो ख्वाब था उसकी ताबीर मुसलसल जुद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने नसीब की। अब पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बनाया गया था इंशाअल्लाह वो ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होगा, दी गई कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, शहीदों का बहा हुआ खून जाया नहीं होगा। 1, 2, 4, 10 या 1000 लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। एक ख्वाब था जिसकी वो तकमील चाहते थे और अगरचे बदनसीब लोगों ने मुल्क को लूटा और इस मुल्क के वसाइल को दोनों हाथों के साथ उन्होंने नोच करके अपनी जायदादें बनाई और वतन को जिस मकसद के लिए बनाया गया था उसकी तरफ एक कदम भी नहीं उठाया और ना ही ऐसे मौके फराहम किए। लेकिन ये कुदरत का इम्तिहान है और इस इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले कल में पाकिस्तान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपनी ताबीर की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होगा। ये वही सरजमी है जिस सरजमी से मीरे अरब को ठंडी हवा आती रही है, ये वही सरजमी है जो मोहब्बतों का मस्कन व मामन है, ये वही सरजमी है जो हमारी अकीदतों का मरकज़ है। इस वतन के लिए जो है वो कितने लोगों की दुआएं और बूढ़े उठने वाले हाथ आज भी सहरी के वक्त उठते हैं। मैं उम्रे की सआदत के लिए गया था तो पाकिस्तान के हालात जब ख़राब हुए तो जो भी मिलता था वो ये नहीं कहता था कि मेरे लिए दुआ करो, हर एक कहता था जनाब पाकिस्तान के लिए दुआ करो। गुंबद-ए-खजरा का साया हो या सेन-ए-हरम हो, हाथ उठे थे और लोग पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे थे। पाकिस्तान से भी मैसेज गए तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हुजूर की निगाह इनायत इस वतन को नसीब है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान मिटने के लिए बना ही नहीं, कयामत तक कायम रहने के लिए माज़े वजूद में आया।